सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल में फिर एक नए वीडियो के साथ। पथरी को तुरंत तलाकर बाहर निकालने के आसान घरेलू उपाय। आजकल के भागदौड़ वाली जिंदगी में गलत खान पान की वजह से लोगों के शरीर में कई प्रकार की बीमारियों ने घर बसा लिया है। इन्हीं बीमारियों में से एक पेट के अंदर पथरी की बीमारी है। लगभग 40% लोग इस बीमारी से पीड़ित होती है। लोग अपने पथरी की बीमारी के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा नया और मुफ्त इलाज बता रहे हैं जिससे आपकी पथरी मिनटों में गलकर बाहर निकल जाएगी। इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल पथरी का मतलब किडनी स्टोन होता है, जो आजकल तेजी से लोगों में बढ़ रही है। यह बीमारी लोगों को किसी भी उम्र में हो सकता है और इससे बहुत दर्द भी झेलना पड़ता है। कैल्शियम, ऑक्सालिक एसिड, फास्फोरस और यूरिक एसिड के मिलने के कारण ही पथरी बन जाती है। पथरी दो तरह की होती है, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी पथरी तो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है, पर बड़ी वाली नहीं निकल पाती है। इससे कई तरह के दर्द भी झेलने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं पथरी को गलाकर बाहर निकालने के आसान घरेलू उपाय। पथरी की समस्या में तुलसी के पत्ते खाने से फायदा करता है। रोजाना तुलसी के 6 से 7 पत्ते सुबह खाली पेट चबाने से पथरी की समस्या खत्म हो सकती है। 2 चम्मच सेब के सिरके और 1 कप गर्म पानी का मिलाकर हर दिन 2 बार लेने से पथरी गलकर बाहर निकल सकती है। पथरी के गलाने में पपीते के जड़ भी काफी फायदेमंद होता है। पपीते के 10 ग्राम जड़ को पीसकर गर्म पानी में मिलाकर बने घोल को छानकर दिन में 2 बार लेने से पथरी गलकर बाहर निकल सकती है। ये वीडियो सिर्फ एक सूचना के रूप में है। आप बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह लेकर इसे अच्छी तरह ले सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो खाने से होने वाले फायदों के बारे में जानें। संबंधित कोई भी सवाल सभी घरों में पाया जाता है और ऐसे ही डालने के काम आता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।